हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है मेथी दाल। ये मेथी दाल झटपट बन भी जाता है, खाने में बहुत लाजवाब होता है। इसे चाहे तो रोटी चावल के साथ खाइए या पूड़ी पराठा के साथ। तो आइए देखते हैं टेस्टी दाल कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम मेथी लिए हैं। इस मेथी के पत्तों को अलग कर लिए और डंठल को तोड़ के हटा दिए। उसके बाद पत्तों को धो के काट लिए हैं, छोटा छोटा ही काट के रेडी किए हैं। अब एक कप अरहर का दाल लिए हैं, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। आप किसी भी दाल में बना सकते हैं। दाल को 2-3 पानी तक धो लेना है। इसको अच्छे से धो के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ मेथी डाल देते हैं जो धो के रखे हैं। सभी मेथी को डालने के बाद अब इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने से मेथी कसैला नहीं लगता। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 2-3 कली लहसुन छील के काट के रखे हैं, इसे भी डाल दिए। 1 टुकड़ा अदरक काट के डाल दिए। 2-3 हरी मिर्ची काट के डाल दिए, इसे बीच से काट के डाले हैं। 2 चुटकी हींग डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर कुकर को चढ़ा देंगे, इसमें ढक्कन लगा देंगे। 5 सीटी तक मीडियम फ्लेम पर दाल मेथी साग को पकने देंगे। इसको पकते हुए 5 सीटी हो गया, गैस को बंद कर दिए। जब प्रेशर निकल गया तब दाल को देख लेते हैं। अब दाल को कलछुल से चला लेते हैं। इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा घोटनी से घोट सकते हैं, नहीं तो कलछुल से ही घोट लीजिए। दाल अच्छे से पक गया है। अब इसको तड़का देने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिए थे गर्म होने के लिए। अब 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया तो 1/4 चम्मच जीरा डाल दिए। जीरा चटक रहा है। 2-3 कली लहसुन काट के डाल दिए। 2-3 सूखी लाल मिर्ची डाल दिए। 1 चुटकी हींग डाल दिए। 1 छोटे साइज का कटा हुआ प्याज डाल दिए। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, ये गोल्डन कलर का हो गया है। तड़का बन के रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और मेथी दाल में तड़का डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। दाल बनके रेडी हो गया है। अब इसे सर्व करेंगे। दाल खाने के लिए रेडी है। ये बगैर झंझट का झटपट बन भी जाता है। चाहे तो दोपहर के समय में बना के खाइए, रात के समय भी बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप भी मेथी साग दाल के साथ बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।